मैं प्रमोद गुप्ता शीतला कॉलोनी निवासी हूँ। प्रमोद जी, लॉकडाउन चल रहा है, एक दिन का लॉकडाउन पहले था और एक दिन अभी था कि कोविड आ गया, तो उसके बारे में पहले क्या लगा जी? इस लॉकडाउन में हमारे लिए जो अपना एक मानवता के लिए कार्य मिला कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमने जो शीतला कॉलोनी मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनकी छोटी आय होती थी उनके लिए भोजन के बारे में सोचा कि एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए जहाँ पर उन्हें पता रहना चाहिए कि यहाँ पर नियमित भोजन मिलता है, कि हर समय मिलता है, हम सुबह से लेकर रात तक भोजन हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस घर में। किस प्रकार का भोजन जिसके लिए हम सुबह के लिए जिनका बिल्कुल कुछ भी नहीं है राशन के लिए, गैस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है परचेज करने के लिए, तो उनके लिए सुबह नाश्ता देते हैं और दोपहर में फिर भोजन हम 12 बजे शुरू कर देते हैं, शाम को 7 बजे शुरू हो जाता है। जी अशोक सिंह, स्वतंत्र समाज से जी, बहुत इसी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, मैं बीच बीच में आकर के इनको देखते रहता हूँ, और जो जो ये समाज में जो काम कर रहे हैं ये आज ही नहीं पहले से भी इन चीज़ों में ये व्यवस्था करते रहे हैं। पीछे यहाँ पे पीछे पार्क है, उसमें बहुत गंदगी थी, उस गंदगी को ख़त्म करके उन्होंने एक पार्क का रूप दिया, और हमेशा मैं इनको देखता रहता हूँ और हमेशा एक इनसे सीखने को हमें मिलता है कि समाज के अंदर हमेशा आदमी को कार्यरत रहना चाहिए। अब यंग जनरेशन की बात करें, आज यंग जनरेशन जैसे लॉकडाउन बन चुका है, ये कहीं ना कहीं उसको लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी ये लगभग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग कुछ कुरूतियाँ भरी हुई हैं, या हम लोग उनको समाज के से जुड़ा हुआ आदमी नहीं समझते हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी के फॉलो नहीं करने से पूरे समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।